उज्जैन के हीरा मिल की चाल में दाह शिविर और नेत्र परीक्षण शिविर लगाया गया। यहाँ पर बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी पहुंचे और प्रशिक्षण करवाया गया। उज्जैन के हीरा मिल चाल मोहल्ला में आँख प्रशिक्षण और दांत प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। यहाँ पर बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी मौजूद रहे ताकि उनके दांत और आँखों की जांच करवाकर उनके उपचार की व्यवस्था की जा सके। उसी को लेकर एक शिविर लगाया गया था जहाँ पर बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी पहुंचे। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भाई साहब बताइए, यह जो शिविर का आयोजन है कहाँ पर किया जा रहा है, क्या इसका उद्देश्य है और क्या है? शिविर का उद्देश्य है गरीब लोगों के नेत्र शिविर है, दंत शिविर है और उन लोगों का संस्थान युवा मंच एवं दानेश्वरी ग्रुप के अगर तत्वाधान में किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य यह है कि गरीब बस्तियों में नेत्र शिविर उज्जैन शहर के अंदर अभी नेत्रों के ऑपरेशन शासकीय अस्पताल में नहीं किए जा रहे हैं, इस कारण यहाँ पर हम लोगों ने इस क्षेत्र के अंदर गरीब बस्ती के अंदर हमारी हीरा मिल की चाल में और मेरे पूर्व आशीर्वाद दाताओं के साथ में इन लोगों की प्रेरणा से यहाँ पर शिविर लगाया गया है और कितने लोग 35 लोगों का ऑपरेशन के लिए मक्सी हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा और निःशुल्क ऑपरेशन किया। ये जो नेत्र शिविर है कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, क्या इसका उद्देश्य था और कितने वर्षों से? कितने की चाल में युवा मन सत्संग समिति उज्जैन महाकाल लायंस क्लब और दानेश्वरी गुरु और हमारे सभी यहाँ के समाज सेवियों के नेतृत्व में ये संपन्न हुआ। अभी एक फरवरी को युवा मन सत्संग समिति और उज्जैन महाकाल लायंस क्लब के द्वारा अन्नपूर्णा मॉन्टेसरी हाई स्कूल में 35 ऑपरेशन निकले थे, यहाँ पे भी 30-32 ऑपरेशन का निकले हैं जिनका हम मुरलीधर कृपा हॉस्पिटल मक्सी ले जाकर ऑपरेशन कराएंगे, उनको वापस नहीं भी छोड़ा जाएगा। हमारे संस्था का उद्देश्य है पीड़ित मानव की सेवा करना और गरीब बस्तियों में जाकर मोतियाबिंद के ऑपरेशन स्वास्थ्य शिविर ये लगाना हमारा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।